हेलो वेलकम बैक, मैं हूं संजय और आप लोग देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट सोप फॉर समर, यानी कि गर्मियों के यूज के लिए बेस्ट साबुन कौन सा हो सकता है नहाने के लिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, काफी गर्मी स्टार्ट हो गई है, चिलचिलाती गर्मी, धूप, पसीने, वो इचिंग, वो घमोनिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप इन सभी समय के अकॉर्डिंग अगर आप एक बेस्ट साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं माना जाता है कि आपकी जो त्वचा है 100 सालों तक बिल्कुल जमा रहेगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, बिल्कुल उस पर निखार बना रहेगा। लेकिन जरूरी होता है कि आपकी त्वचा कैसी है, त्वचा के हिसाब से, मौसम के हिसाब से सही साबुन का सिलेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और मैं सिलेक्ट करके लेकर के आया हूँ कुछ ऐसे साबुन जो गर्मियों के दिन में आपको यूज़ करना चाहिए। आप जो है, जितने भी मार्केट में बहुत सारे साबुन मिल रहे हैं जो अक्सर केमिकल्स से भरे होते हैं, हर साबुन में कुछ कुछ केमिकल्स देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये केमिकल्स जो होते हैं गर्मियों में आपकी त्वचा को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे 100% नेचुरल साबुन जो आपके त्वचा का 100% केयर करेगा और आपकी त्वचा बिल्कुल भी खिलखिलाती रहेगी और बिल्कुल 100 सालों तक जो है बिल्कुल तरोताजी रहेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करूंगा। इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस आपको मिलेंगी वो बिल्कुल मेरा खुद का रिसर्च है, प्रैक्टिकल है, जो कि मैं करके देखा हुआ हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ से अगर यहाँ आया हुआ हूँ तो मैं बिल्कुल आयुर्वेद के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया हूं, तब जा करके मैं ऐसा हो पाया हूं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, हम कौन सा साबुन यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर के आने वाला हूं। तो अगर इस टाइप की वीडियोस आपको देखना है, दवाओं से मुक्त होना है, बिल्कुल एक बेहतर जीवन, बिल्कुल सुखी जीवन व्यतीत करना है, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं एक से एक वीडियोस लेकर के आने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो यहां पर हम बात करते हैं बेस्ट सोप। सबसे पहले जो इस गर्मी में सबसे बढ़िया साबुन हो सकता है आपके लिए, यानी कि अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप बाहर काम करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल्स जॉब करते हैं, तो आप जो है अगर चाहते हैं कि आपकी त्वचा बिल्कुल खिलखिलाती रहे, तो उस कंडीशंस के लिए सबसे बेस्ट साबुन जो मैं बताऊंगा आज की रेट में वो है, अगर हम यहां पर बात करें तो आप ये देख पा रहे हैं, ये है जो कि 100% नेचुरल पतंजलि मुल्तानी मिट्टी सोप। ये बहुत ही जबरदस्त जो है बॉडी क्लींजर है। एक्चुअली ये सारे के सारे बॉडी क्लींजर है, बाकी के जो साबुन आते हैं वो टॉयलेट साबुन होते हैं, और ये जो है ये बॉडी क्लींजर है, आपके बॉडी को क्लीन करने के लिए आता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त साबुन है। अगर आप चाहते हैं कि गर्मियों में आपका गोरापन बिल्कुल बरकरार बना रहे, गर्मियों का ज्यादा असर ना हो आपके त्वचा पर, काफी गर्मी में आना जाना रहता है ऑफिस वगैरह में अगर आप काम करते हैं, तो आप इस सोप को जो है यूज कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। बिल्कुल मैं काफी सालों से इन सभी साबुन को यूज करके मैंने देखा हुआ है, जिनका जैसा रिजल्ट है परफेक्ट, मैं बिल्कुल वही लेकर के आया हुआ हूं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं ये साबुन कैसा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ये अपने नेचुरल लुक के अंदर ही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से बहुत ही प्यारा ये जो है सोप है, और इसका जो खुशबू है बिल्कुल नेचुरल होगी। ये बिल्कुल उस तरीके का नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा आपको अगर खुशबू चाहिए तो इसमें वो खुशबू नहीं मिलेगी, बट फिर भी बहुत ही अच्छा खुशबू इसके अंदर आपको मिल सकता है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं गर्मियों के लिए, तो मुल्तानी मिट्टी, चूंकि उसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, और अगर उसकी खूबियों के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, मैं मुल्तानी मिट्टी की बिल्कुल खूबियों के बारे में मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, जिसमें आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको इस टाइप का साबुन चाहिए, बिल्कुल 100% नेचुरल, बिल्कुल किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, तो आप ये मुल्तानी मिट्टी साबुन यूज कर सकते हैं। और ये जो है 75 ग्राम के अंदर जो है इसका जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं,
₹35 है। ₹35 में ये 75 ग्राम का जो है आपको मिल जाएगा, जो कि ये काफी बेहतर चलेगा। बट थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना होगा कि ये पानी में गलता थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए आपको ऐसे साबुनदानी का यूज करना होगा जिसमें पानी ना रुक रहा हो। उसके बाद एक्चुअली ये जो उनके लिए है जिनका स्किन नॉर्मल होगा, लेकिन अगर आपका स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है तो उसके लिए आप जो है पतंजलि का ये पतंजलि सौंदर्य सैंडल साबुन आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त ये साबुन है, लेकिन अगर गर्मियों में आपको यूज करना है तो आप वही लोग कर सकते हैं जिनका त्वचा बिल्कुल ड्राई हो, वो लोग इसको यूज करेंगे। अगर जरा भी ऑयली स्किन है आपका तो आप इसको जो है गर्मियों में ना यूज करें, ठंडियों के लिए ये काफी बेहतर। ठंडियों के लिए तो इसका जवाब नहीं है, सर्दियों के लिए बहुत ही जबरदस्त साबुन है, लेकिन गर्मियों में जिनकी त्वचा खुश्क है, काफी ड्राई है, वो लोग इसे यूज कर सकते हैं। चूंकि ये जो बना हुआ है ये चंदन के तेल से बना हुआ है और एलोवेरा का रस इसके अंदर मिला हुआ है, यानी कि एलोवेरा और चंदन के रस से ये बना हुआ है, इसलिए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही जबरदस्त ये साबुन हो सकता है। लेकिन गर्मियों में यूज करने के लिए अगर आपकी त्वचा ड्राई है तो यूज कीजिए, अन्यथा गर्मियों में इसको जो है अवॉइड कीजिए। ये सर्दियों के लिए बहुत ही जबरदस्त साबुन हो सकता है। तो ये तो दो रहा, जैसे कि इसको भी अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप का बहुत ही खूबसूरत साबुन है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू भी आती है। और उसके बाद अगर जो है आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पर बैक्टीरियाज वगैरह ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि आपको ज्यादा गर्मी या फिर खेतों वगैरह में काम करते हैं या फिर ऐसी जगह पर आपका आना जाना है जहां पर पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा रहता है, तो उस कंडीशंस के लिए आप जो है यानी कि घमौनियाँ वगैरह ज्यादा रहती है, आपके त्वचा पर एलर्जीज वगैरह आए दिन हो जाया करता है, ज्यादा गर्मी हुई तो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाया करती है, तो उस कंडीशंस में जो है आप क्योरा का ये एलोवेरा विथ निम ये वाला साबुन आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके फेस पर दाने हो जाते हैं, पिंपल्स वगैरह हैं या फिर घमौनियाँ वगैरह गर्मी की वजह से हो जाया करती है, तो आप जो है इस सोप का यूज कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट जो है इस साबुन का है। एक्चुअली डॉक्टर्स भी इसको जो है सलाह देते हैं, जब इस टाइप की बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर्स भी इसका सलाह दिया करते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव साबुन है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लुक में ये रहता है और काफी अच्छी खुशबू भी है, आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। चूंकि आप जानते भी होंगे एलोवेरा एंड नीम के साथ में ये है, तो ये इसका जो है काफी अच्छा इफेक्ट जो है देखने को मिला है, ये यूज करके देखा गया है, बहुत ही जबरदस्त इसका जो है प्रभाव है। तो आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। अगर पिंपल से परेशान है, दानों से परेशान है, घमौनियों से परेशान है, तो गर्मी के लिए आप इसको यूज करें। और ये जो है 75 ग्राम के अंदर आपको मिल जाता है ₹49 का। तो चूंकि थोड़ा सा ये कॉस्टली है, लेकिन इसका जो है इफेक्ट इतना जबरदस्त है कि डॉक्टर्स भी इसका सलाह जो दिया करते हैं, अगर उनके पेशेंट में इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो अक्सर इसका सलाह दिया करते हैं। और इसी लेवल का एक और साबुन है जिसका इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही प्यारा साबुन है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं एस्योर का नीम तुलसी पुदीना। ये इतना जबरदस्त है, जैसे कि नीम आप सोच सकते हैं नीम इसके अंदर मिक्स है और तुलसी है, जो सभी प्रकार के एलर्जीज वगैरह यानी कि त्वचा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए तुलसी एक बहुत ही जबरदस्त इफेक्टिव औषधि माना जाता है। और उसके साथ में जो पुदीना है बिल्कुल शीतलता प्रदान करेगा। तो इस तरीके से जो है आप इस साबुन का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। डॉक्टर भी इसकी सलाह दिया करते हैं अगर किसी भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती है, यानी कि बिल्कुल सेम प्रॉब्लम्स अगर है आपको, यानी कि घमौनियों वगैरह की प्रॉब्लम्स है, पिंपल्स वगैरह हैं, दाने वगैरह हो जाया करते हैं या फिर बैक्टीरियाज वगैरह ऐसे जगह पे आप काम करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही जबरदस्त साबुन हो सकता है। तो आपने देखा, अगर नॉर्मल फेयरनेस स्क्रीन के लिए चाहिए गर्मियों के लिए, तो सबसे नंबर वन पे जो है आपका ये मुल्तानी मिट्टी, पतंजलि का मुल्तानी मिट्टी वाला साबुन आपको यूज करना है। और अगर बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन हुआ आपको तो आप जो है पतंजलि सौंदर्य यूज कर सकते हैं, बट इसको जो है ठंडी में यूज करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद जो है अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है आपके त्वचा में, तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, एलोवेरा विथ नीम क्योरा का या फिर एश्योर का नीम तुलसी और पुदीना, इन दोनों में से यूज कर सकते हैं।
और इस सीयर का जो ये है पैक आपको 100 ग्राम के अंदर यानी 100 ग्राम के अंदर ये जो है 40 रुपीज में आपको मिल जाता है। तो ये अगर देखा जाए तो काफी बड़ा भी है और सस्ता भी है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो आप इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आप पतंजलि का नीम सॉप भी यूज कर सकते हैं। पतंजलि में ज्यादातर रख रहा हूं इसलिए कि पतंजलि आपको हर जगह मिल जाता है आज के डेट में, और बाकी हो सकता है एस्योर हर जगह ना मिले, लेकिन अगर नॉर्मल शॉप पे अगर आप खोजेंगे तो ये नहीं मिलेगा। आप मेडिकल्स पे अगर आप इसको ढूंढते हैं तो जरूर मेडिकल पे मिल सकता है। और ये भी जो केवरा का है ये भी आपको मेडिकल्स पर मिल जाएगा। और अगर ना मिल रहा हो तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त शॉप है। तो अभी आप कहेंगे कि आपने जो भी ये साबुन दिखाया तो ये सारे जो हैं 35 40 50 रुपए के हैं, तो ये काफी कॉस्टली है। तो मैं आपको बता दूं ये उन सब साबुन के लेबल के हैं जो अदर ब्रांड्स में अगर देखा जाए और सारी कंपनियां जो बनाती हैं बहुत महंगे साबुन हैं, 100 150 200 250 तक के साबुन आते हैं। जैसे कि आप एस्योर कैटेगरीज की अगर देख रहे हैं या फिर केवरा का जो मैंने बताया, इस टाइप के बहुत सारे साबुन ऐसे आते हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स की तो ये साबुन बिल्कुल उसी के लेबल के साबुन हैं। तो इस टाइप की अगर प्रॉब्लम है तो आपको ये सब यूज करना पड़ेगा अगर आप महंगे साबुन यूज करते हैं तो। लेकिन अब अगर आपको नहीं, इतना महंगा साबुन नहीं चाहिए, सस्ता ही साबुन चाहिए, तो उसके लिए चलिए हम आ जाते हैं नॉर्मल पे। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, खेतों वगैरह में काम करते हैं या फिर ज्यादा ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर गंदगी ज्यादा होती है या फिर गंदगी रास्ते से गुजरना होता है या फिर पॉल्यूशन वगैरह की जगह पर काम करते हैं, महंगा साबुन आप नहीं ले सकते, तो आप जो है या फिर ज्यादा घमौनियों वगैरह से परेशान रहते हैं यानी कोई ना कोई त्वचा में प्रॉब्लम्स रहती है, तो आप जो है पतंजलि का ये पंचगव्य कांति साबुन यूज कर सकते हैं। मात्र 15 रुपए का ये जो है साबुन आपको मिल जाएगा, जो कि हर जगह आपको उपलब्ध हो सकता है। जितने भी पतंजलि के स्टोर हैं हर जगह आपको ये मिल जाएगा। और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव इसलिए है कि ये बिल्कुल गाय के शुद्ध दूध घी और उसके दही से बना हुआ है, इसीलिए इसका इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त है। आप इसको यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आप देख पाएंगे तो ये बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का होता है। तो आप जो है पंचगव्य का ये साबुन इस्तेमाल करें अगर किसी भी प्रकार की त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और महंगा साबुन अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। इसका भी प्रभाव बहुत ही अच्छा है, और अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो आप एस्योर या फिर जो है आप केवरा का एलोवेरा नीम यूज करें, इसका तो खैर जवाब ही नहीं है। उसके बाद अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिशियल जॉब करते हैं, फैमिली लंबी है, तो आप सस्ते साबुन अगर आपको चाहिए तो आप जो है गर्मियों के लिए आप एलोवेरा कांति यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इफेक्ट है इसका, और ये अक्सर घरों में सबसे ज्यादा बिकने वाला पतंजलि का ये सब साबुन है। आप ये यूज कर सकते हैं या फिर ये जो है हल्दी चंदन यूज कर सकते हैं, जो गर्मियों के लिए काफी इफेक्टिव साबुन है और बहुत ही बेहतर साबुन है। तो ये थे सारे के सारे साबुन जो मैंने बताया। इसके अलावा जो है आप अभी मुझे नहीं मिल पाया, आप जो है मैंने काफी यूज किया हुआ है हिमालय का नीम टर्मरिक साबुन भी मैंने यूज किया हुआ है, उसका भी इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त है। तो अगर आपके यहाँ मिल जाता है हिमालय का नीम टर्मरिक साबुन तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर त्वचा पर प्रॉब्लम है तो उसका भी इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त रहता है। तो ये सब साबुन थे जिनको आप यूज कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम सस्ते में चाहिए तो आप जो है पतंजलि का नीम साबुन भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये जितने भी साबुन मैं बताया बिल्कुल 100% नेचुरल है, कोई मिलावट इसके अंदर नहीं है। तो गर्मियों के लिए इनमें से आप अपनी त्वचा के हिसाब से यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों की त्वचा इतनी ज्यादा ड्राई होती है कि गर्मियों में भी वो लोग सूखते रहते हैं, सूखती रहती है त्वचा, तो उस कंडीशन में आप जो है पतंजलि का सौंदर्य यूज करें, ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है। और अगर थोड़ा सा ऑयली है तो आप जो है पतंजलि मुल्तानी मिट्टी यूज करें, इसका तो खैर जवाब ही नहीं है किसी भी टाइप की स्किन के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि गर्मियों के हिसाब से आपको कौन सा साबुन यूज करना चाहिए। अगर मौसम के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से अगर आप सही साबुन का सिलेक्शन करते हैं और केमिकल से अगर दूर रहते हैं तो आपकी त्वचा बिल्कुल काफी समय तक बिल्कुल भी निखरी रहेगी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। और इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर के आऊंगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वीडियो मैं लेकर के आऊंगा, और ये सब कुछ 15-20 सालों से जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि मैं काफी संस्थानों से जुड़ा रहा हूं, काफी रिसर्चेस के बाद जो परफेक्ट रिजल्ट मिला है मुझे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं कैसा था अगर मैं इस आयुर्वेद
रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया होता, आयुर्वेद को नहीं पकड़ता, तो आज मेरी पहचान ही कुछ और होती। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से जो है आप यूज कर सकते हैं। और सारी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जितनी भी मैं वीडियोस नई अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और कोई भी कमेंट हो, बिल्कुल मैं आपका दोस्त हूं और बहुत सारी वीडियोस में लेकर के आने वाला हूँ। किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो मैं जो है डॉक्टर्स की टीम भी सेलेक्ट कर रखा हूँ, बिल्कुल सही सलाह लेकर के वीडियोस बनेगी, आप तक पहुँचेगी। तो अगर किसी भी प्रकार की आपकी पर्सनल प्रॉब्लम भी है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए, उस पर वीडियोस बनेगी और आपको सही सलाह मिलेगी। आप गलत वीडियोस ना देखें, यूट्यूब पर आज के डेट में बहुत सारी गलत वीडियोस हो गई हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इनो को लोग किस किस जगह पर लगवा देते हैं, कोलगेट को लोग कहां कहां यूज करवा देते हैं, उनको ये मतलब नहीं है कि ये कितना आपके स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ व्यूज से मतलब है और पैसों से मतलब है। बट इस चैनल पर आपको मिलेगा सिर्फ सही जानकारी, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके बताते रहें, जिससे हौसला बढ़ेगा हमारा और एक से एक वीडियो में लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और दवाओं से मुक्त होने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।